स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रोडक्ट फायर पर। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं दो ऐसे रूम हीटर्स के बारे में जो एक ही ब्रांड के हैं लेकिन लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है दोनों में से कौन सा उनको लेना चाहिए। एक है ऑर्पेड का 1220 मॉडल और दूसरा है ऑर्पेड 1260 मॉडल। दोनों बिल्कुल सिमिलर से हैं, एग्जैक्ट प्राइस भी इनको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सी है लेकिन लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सा उनके लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं, हम सब कुछ जानने वाले हैं। कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों के बॉडी और डिज़ाइन के बारे में। तो लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों के बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल लुक के साथ आते हैं। मुझे पर्सनली ऑर्पेड 1260 बहुत ज़्यादा थोड़ा बेटर लगता है इससे, क्योंकि इसमें थोड़ा कलर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। दोनों की बॉडी प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, बिल्डिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि बिल्कुल भी बॉडी ख़राब होने की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। और दोनों की बॉडी कूल टच बॉडी है, यानी कि जब आप इसे रन करेंगे तो ये जब हीट प्रोवाइड करेगा तब भी इसकी बॉडी बाहर से ठंडी रहने वाली है। लेकिन जो आप इसके आगे देख रहे हैं इसके अंदर सेफ्टी मैश ग्रिड दी हुई है, जब आप इसे चलाएंगे तो ये थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे वगैरह इसे ज़्यादा हाथ ना लगाएं गलती से भी, ठीक है। इन दोनों के ही बॉडी के ऊपर आप एक फ़ैन देख सकते हैं। इन दोनों के जो मोटर आती है वो 100% कॉपर वायर मोटर आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है इसमें। इसके अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो आपको नेट सा कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर, इसकी वजह से यहाँ से एयर सक होती है। दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इन दोनों में यहीं से एयर सक होती है, अंदर एंटर करती है यहाँ से। इन दोनों की अगर हम ऊपर की साइड की बात करें तो इन दोनों में एक जो ऑर्पेड 1220 है उसके अंदर एक रेगुलेटर आता है और ऑर्पेड 1260 के अंदर दो रेगुलेटर आते हैं। इन दोनों का जो एक रेगुलेटर तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। उसमें सबसे पहले जीरो मोड आता है, जीरो में बिल्कुल बंद रहेगा, जीरो से जब ऊपर करेंगे तो फ़ैन वाला मोड ऑन हो जाएगा। इसमें सिर्फ फ़ैन चलेगा, हीटिंग कोयल गर्म होना स्टार्ट नहीं होगी, दोनों में ही एग्जैक्ट सेम। उसके बाद ऊपर करेंगे इसको, आप इस फीचर को एक तरीके से वैसे ऐसे भी कह रखा है कि आप इसे फ़ैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इतना वैल्यू नहीं करता क्योंकि इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, पर वैसे भी आप इसे कर सकते हैं। पर चाहे तो इसको जब आप ऊपर करेंगे तो 1000 वॉट पावर पर ये चालू हो जाएगा, इसमें हीट प्रोवाइड करने शुरू कर देगा। और वाकई में दोस्तों हीट दोनों बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, आगे है आपका हाथ आगे रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हीटिंग तो बहुत दोनों बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और आप इसको दूसरे 2000 वॉट इसकी मैक्सिमम पावर है वहाँ तक आप इसे अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर इन दोनों का इस्तेमाल आप 250 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बड़े आराम से कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है, इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप जिस जगह आपके रूम हीटर को यूज़ करने वाले हैं तो उसकी साइज़ के उस एरिया की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने वोट का रूम हीटर आपको लेना चाहिए। पर ये वाला जो रूम हीटर है ये दोनों के दोनों 2000 वोट के हैं, तो आप इसमें 250 स्क्वायर फीट एरिया को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो स्पॉट हीटिंग के लिए हैं, यानी कि अगर आप इन दोनों के आसपास बैठे हुए हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर देंगे, हीटिंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन काफ़ी देर इसको जब चलते चलते हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये पूरे रूम को भी हीटअप करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर सेफ्टी प्रॉस्पेक्टिव से मैं आपको एक बात कहूँ तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों को यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप जब सो रहे हो और अगर चारों तरफ से रूम पूरा पैक है तो इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऑक्सीजन को किल करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन को किल करते हैं, क्योंकि ये ऑयल रूम हीटर्स नहीं है, ये ऑक्सीजन को किल करते हैं, ठीक है। दोस्तों दोनों के अंदर ही ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है, सेफ्टी कट ऑफ दोनों के अंदर ही अवेलेबल है और थर्मल कट ऑफ भी दोनों में अवेलेबल है। लेकिन जो ऑर्पेड 1260 उसमें टच सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, पर वो इतने कोई खास बात नहीं है। और अगर हम इसके पूरे ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो दोनों ही दोस्तों बहुत ही अमेजिंग रूम हीटर्स हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छी बात जो इन दोनों की है वो ये कि इन दोनों के प्राइस बहुत कम है और बहुत ही इफेक्टिवली ये रूम को गर्म करते हैं, यानी कि स्पॉट हीटिंग के लिए सबसे बेस्ट रूम हीटर ये हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा ओपिनियन तो आप ऑर्पेड 1260 के लिए जाइए, क्योंकि इसमें आपको एक रेगुलेटर थर्मोस्टेट रेगुलेटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको प्रोवाइड जिससे आप टेम्परेचर को बड़े आराम से कंट्रोल कर पाएंगे, जो चीज़ आपको 1220 में देखने को नहीं मिलती। तो और लुक भी मेरे को 1260 का ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑर्पेड 1260 के लिए ही जाएं, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल 100-200 रुपये का आपस में फ़र्क है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दोनों के दोनों बेस्ट सेलिंग हैं अमेज़ोन पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों के लिए सारे रिव्यूज़ पढ़ के देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस है, सब कुछ बहुत बेस्ट है। तो आप निश्चिंत होकर के ऑर्पेड 1260 के लिए जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप कोई दूसरा रूम हीटर देखना चाहते हैं तो उसकी मैंने पूरी टॉप 10 बेस्ट रूम हीटर्स इन इंडिया की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, तो आप उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो
आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।